आनंदपुर साहब दे विच होले मोहल्ले दा त्यौहार मनाया जा रहा है अते एसजीपीसी दे वल्लों तख्त श्री केसगढ़ साहिब तों नगर कीर्तन सजाया गया है। उत्थे निहंग सिंह जथेबंदियां कल नूं मोहल्ला कढ़नगियां। इस संबंधी साडे सहयोगी पामिल पार्टियां ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह दे नाल खास गलबात कीती। खालसे की धरती श्री आनंदपुर साहिब के मेले का अज अंतिम दिन हैगा। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे इस मेले की सारिया तैयारियों लैके। सिंह साहब अज अंतिम दिन हैगा, अज दे की प्रोग्राम की समागम होने वाले ने? होले मोहल्ले का त्यौहार जो श्री आनंदपुर साहिब की धरती से 16 तरीक तो आरंभ किया गया सी, गुरद्वारा पतालपुरी साहिब कीरतपुर साहिब तो अखंड पाठ साहिब की रमता दे नाल, और दूजा पड़ा तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी तो आरंभ होया सी 19 तरीक नूं। अज 21 मार्च नूं इस पड़ा दा आखिरी दिन है और मोहल्ले वाला अज दिन है। बहुत वड्डी गिणती विच लखां दी गिणती संगत आ रही है। इउं लगता है कि जिवें एक सैलाब की तरह संगत हर पासे बाजारां दे बाजार सड़कां भरियां होईयां, और तख्त श्री केसगढ़ साहिब ते लखां दी गिणती श्रद्धालु नतमस्तक हो रहे ने। अज हुण श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पैणे ने। श्री अखंड पाठ साहिब दी संपूर्णता तो उपरंत थोड़े समय वास्ते गुरमत दीवान सजना, और उस दीवान दे विच पंथ दीयां महान शख्सियतां ने, निहंग सिंह जथेबंदियां ने, दमदमी टकसाल दे मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा और निर्मल भेख दे महापुरख जिन्हें भी गुरु नानक देव जी साहिब जी दे नाल संबंधित ने, गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां ने, महापुरख ने, संप्रदावां ने, उन्हां सारिआं ने ही तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजिर होना। थोड़े समा दीवान सजेगा और उहदे तों बाद दुपहर 12 बजे तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी उत्ते अरदास बेनती करके हुक्मनामा लैके ते पंज प्यारे साहिबान की अगवाई विच मोहल्ले की आरंभता कर दी जानी है। मोहल्ले की आरंभता सिंह साहब एक दूसरा हैगा, इस बारी जिहड़ा ये मोहल्ला जिहड़ा मेला हैगा ये 4 दिन का हो गया है ना, कल नूं मोहल्ला कढ़िया जाना है निहंग सिंह जथेबंदियां वालों, ये एक दिन का फर्क क्यों हैगा? देखो इन्ने वड्डे स्थानां ते तां रोज़ ही मेले हुंदे ने, मतलब विच 3 दिन जां 4 दिन का कोई ऐसा नहीं हैगा, और ना ही कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद है। निहंग सिंह वैसे भी कोई भी त्यौहार होवे ते उहदे अगले दिन ही लास्ट तो जिहड़ा अगला दिन आउंदा उदों ही मोहल्ले कढ़दे ने। पंथ विच कोई ऐसी दुबधा कोई मतभेद नहीं, सारे दे सारे निहंग सिंह जथेबंदियां दे मुखी अज मोहल्ले विच तख्त श्री केसगढ़ साहिब तो आरंभ होण वेले शामिल होणगे। असी कल जिहड़े बलबीर सिंह जी ने बाबा बुढ़ा दल दे जिहड़े इस समय मुखी हैगे ने निहंग सिंह जथेबंदी दे मुखी, उन्हां नाल गलबात कीती। ओह कहिंदे भी असी जिहड़ी गुरु परंपरा नूं फॉलो कर रहे हां, सानूं नहीं पता बाकी कोई किहड़े कैलेंडर नूं फॉलो कर रहे, कहिंदे असी ओह फॉलो कर रहे जो गुरुआं ने सानूं कहा, कहिंदे बाकियां ते सानूं नहीं पता ओह की फॉलो कर रहे ने। देखो ऐसा कुछ भी नहीं हैगा, कोई मैं पहलां भी बेनती कीती है कोई मतभेद नहीं, सारा पंथ एक है और ऐसी सारा पंथ इकट्ठे हो के रल मिल के ये होले मोहल्ले का त्यौहार बड़ी श्रद्धा के नाल बड़े चाह के नाल असीं सारे मना रहे हैं। जथेदार साहब एक आखिरी सवाल मैं तुहानूं करना चाहांगा, ये जिहड़े 2 दिन दिन का फर्क पैया जिहड़ा एक दिन का या कल दे दिन का या अज दे दिन का, तुहानूं लगता कि संगत के मन के विच कितें दुचित्ती बनदी है या कितें कोई डाउट क्रिएट हुंदा कि ये 2 फर्क क्यों हैगा मोहल्ला कढ़न दे विच? श्रोमणी कमेटी अज कढ़ रही है और निहंग सिंह जथेबंदियां कल कढ़ रहियां ने। बिल्कुल जी, कोई डाउट नहीं, कोई दुविधा नहीं संगत दे विच किसी प्रकार का, कोई भी ये कह लगी आप कि संगत जिहड़ी है वह अज 21 तरीक है और अज मोहल्ले के दिन तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे नतमस्तक होने वास्ते पुजी है। तुसीं सारे दर्शन कर सकते हो कि किवें संगत जिहड़ी है एक हड़ दे वांग सैलाब दे वांग इन्नी कु श्रद्धा इन्ना उल्लास इन्ना चाह है संगत दे मन विच कि वह अज तख्त श्री केसगढ़ साहिब दर्शन इशनान करन वास्ते पहुँचे हुए ने। किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं, साडा सारा पंथ जिहड़ा है खालसा पंथ सिख पंथ बिल्कुल संप्रदावां संस्थावां सब इकट्ठे ने, कोई दुविधा नहीं। सो इस सन जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह जी जिन्हां मुताबिक अज जिहड़ा मोहल्ला कढ़िया जाना है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों, निहंग सिंह जथेबंदियां कल कढ़नगियां, पर ज्ञानी रघुबीर सिंह दा मनना हैगा कि इस दे नाल अड अड समाप्ति करन दे नाल कोई पंथ दे विच दुविधा या दुचित्ती पैदा नहीं हो रही, पर हालांकि मेला जिहड़ा 3 दिन का हुंदा उह हुण 4 दिन का इस वारी हो चुका है। कैमरामैन अजय दे नाल पमिल पाटिया, इंडिया न्यूज़ पंजाब।